नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स और ये है चैनल नंबर 11। हम लेकर हाजिर है क्लास 11th का सोशल साइंस का हमारा ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी हम सबको ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र होने के साथ साथ सर्वाधिक बड़ा लोकतंत्र भी है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की आज हम यहाँ बात करने वाले हैं और ये बच्चों को खासकर जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जब हमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर्स की ज़रूरत है, ऐसे गूढ़ विषय को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपकी जो सहभागिता है वही आने वाला समय और आने वाला कल जो है उसको बेहतर बनाएगी और उसका मुस्तकबिल भी तय करेगी। बहरहाल, मैं स्वागत करूंगा हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सुशील कुमार जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप पीजीटी हिस्ट्री हैं, केंद्रीय विद्यालय आसनसोल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसा मैंने अभी समझा या जाना, लेकिन बतौर शिक्षक, बतौर एक्सपर्ट, आप बच्चों को कैसे इसको ब्रीफ करेंगे, कैसा समझाना शुरू करेंगे ताकि वो इसमें इंटरेस्ट लें, क्योंकि शुरुआती दौर स्कूल का ये होता है कि बच्चे इस विषय में उतनी अपनी ना तो उनकी जिज्ञासा होती है ना ही वो उसे पढ़ना चाहते हैं, जबकि इसकी महत्ता उन्हें आने वाले समय में पता लगती है जब वो खुद एक वोटर बनते हैं। जी, सबसे पहले राहुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, और पीएम ई विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राहुल जी, आई थिंक आज के दिनों में अगर हम बात करें तो इलेक्शन एक बहुत बड़ा मैटर है। बिल्कुल, और इन दिनों अगर आप न्यूज़ चैनल ओपन करें तो आपको सबसे ज़्यादा अगर एयर होता हुआ अगर कोई न्यूज़ मिलेगा, दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन एक्चुअली आज भारत के 5 प्रमुख राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, चल रहा है जी। सो दिस इंटायर चैप्टर इज फोकस्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, मीनिंग ऑफ इलेक्शन, एंड कैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है, कौन कौन से फीचर्स उसमें होने चाहिए जी, और इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसी भी देश में कौन सी संस्था को होती है, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए, एक और बहुत प्रमुख बात, ये जो 20th सेंचुरी की हम बात करें, 1975 ऑनवर्ड्स की जो बात करें, तो लगभग सभी देशों को अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाने की एक प्रक्रिया सी चल पड़ी है। सभी देश अपने आप को चुनाव करा रहे हैं एंड दे वांट टू शो देमसेल्फ, दे वांट टू कॉल देमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम ये भी देखेंगे कि क्या केवल चुनाव करा लेने मात्र से कोई देश डेमोक्रेटिक हो जाता है या नहीं होता है, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़े। डेफिनेटली, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। यस प्लीज। जहाँ तक हम बात करें इस पूरी चैप्टर में, इस पूरी बुक में, 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक की बात करें, दैट इज टोटली फोकस्ड अबाउट द डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये पूरा जो बुक है इसी पे फोकस किया हुआ है, और डेमोक्रेसी के बारे में बच्चे जो है क्लास 6 से ही पढ़ते आ भी रहे हैं। सो सबसे पहले जो हम यहाँ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हम जानते भी हैं बेसिकली जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या है जी। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें डेमोक्रेसी के मतलब की बात करें, ए गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, इलेक्टेड बाय द पीपल, और यहीं से ये सेशन की शुरुआत हो जाती होती है। बिल्कुल। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्शन, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ इलेक्शन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्यों हमें जरूरत पड़ती है चुनाव कराने की, देन चुनाव कितने तरह के होते हैं, और क्या किस तरह के चुनाव को हम एक लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं, और चुनाव कौन सी संस्था हमारे देश में कराती है, उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, उसके बारे में भी समझने की कोशिश हम इस चैप्टर में, इस सेशन में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन। अगर हम बात करें चुनाव क्या है बेसिकली, तो बहुत ही साधारण शब्दों में कह सकते हैं राहुल जी, इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म इन विच द पीपुल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड इफ दे रिक्वायर्ड दे कैन चेंज देम। राइट, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जनता को एक वोट का अधिकार होता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और जरूरत पड़ने पे उनको बदल भी सकते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्शन। Now, why do we need election in a democracy?
एक लोकतंत्र में आखिर चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम बात करते हैं कि देश लोकतांत्रिक है तो वहां एक लोकतांत्रिक सरकार होगी, बिल्कुल, और ये लोकतांत्रिक सरकार ही लोगों के हित के लिए डिसीजंस लेगी, निर्णय लेगी, लोगों के फेवर में काम करेगी, उसके लिए डिसीजन बनाएंगी जी। और जब हम फिर अगेन लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो वहाँ जो भी डिसीजन होते हैं वो पब्लिक पार्टिसिपेशन से होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में नहीं होगा तो लोकतांत्रिक देशों का जो स्पिरिट जो है वो कायम नहीं रह सकता, पर्पस सॉल्व नहीं होगा जी। बट हियर द क्वेश्चन इज हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन हम कैसे इंश्योर करेंगे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हों, करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हों और एक साथ किसी डिसीजन पे कलेक्टिव एक डिसीजन ले पाए? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है जी। यही नहीं, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम डिसीजन लेने में इस महीने के महीने दिन निकाल दें, व्यवस्था चला पाना ही बिल्कुल बहुत ही मुश्किल होगा, हमारे पास लैक ऑफ टाइम भी हो जाएगा, हमारे पास वो प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होगा कि हम डिसीजन ले पाएंगे। ऐसे ही स्थिति में लोकतांत्रिक देशों में इलेक्शन का एक प्रोसेस इवोल्व किया गया है जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे हमारे लिए फैसले ले सकें, एंड दैट इज व्हाई ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स इलेक्शन। चलिए, तो ये तो हुई बात की, ये हो गई नीड ऑफ इलेक्शन की, क्यों जरूरत है हमको। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस एक्चुअली व्हाट टू चूज, हमें जरूरत क्यों है ये तो हम समझ में आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें चुनना क्या है, चुनाव कैसे करें, जब हम वोट देने जाते हैं तो वहां क्या देखना है हमें जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा, हु विल मेक लॉज फॉर अस। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो हमारे लिए कानून बनाने का काम करेंगे, ठीक है। द सेकेंड थिंग, हम एक सरकार का गठन करते हैं, एक सरकार का फॉर्मेशन करते हैं जो हमारे लिए डिसीजन ले सके। And third thing that we have to choose a political party whose policy will guide the government and in the process of lawmaking. एक ऐसे राजनीतिक दल को हम चुनते हैं जो ना केवल सरकार का formation करे, उनको guide कर सके और उनको हमारे लिए कानून बनाने में मदद कर सके। इसलिए जब जनता वोट देने जाती है तो इन aspects का ख्याल सबसे पहले रखती है जी। So हमने देखा यहाँ अभी तक election क्या है, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है और हमें क्या चुनना होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने पहले भी चर्चा किया जी, कि ये जो 1975 एंड ऑनवर्ड्स एक बड़ी परंपरा से चल निकली है कि हर एक देश चुनाव करा दे रहे हैं एंड दे वांट टू से देमसेल्फ कॉल देमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। आप देखिए उदाहरण चाइना का ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं देखो भैया हमने भी चुनाव कराया, हमारे यहाँ भी जो जी बिल्कुल दर्शाते हैं कि वो डेमोक्रेटिक नेशन है, वो कह रहे हैं देखो हमने चुनाव कराया, हमारे यहाँ भी जो सरकार बनी है बाय द वोट ऑफ द पीपल। सो यहाँ पे हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि वाकई क्या केवल चुनाव कर लेने से कोई देश डेमोक्रेटिक हो जाता है या नहीं होता, और अगर नहीं होता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चुनाव लोकतांत्रिक है, ठीक है, वहां जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है। सो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में विल डिस्कस दिस। चलिए देखते हैं। सॉरी, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन विल बी डेमोक्रेटिक ओनली व्हेन वन पीपल कैन कास्ट वन वोट एंड दिस वोट विल बी ऑफ इक्वल वैल्यू। अब सवाल हो सकता है इसका क्या मतलब हुआ, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार हो और सभी के वोट का इक्वल वैल्यू हो। हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से ही बात करें, सबसे पहले हम बात करें वैल्यू ऑफ इक्वल वोट। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखते हैं, नेशनल असेंबली में जब बैठक होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि तीन स्टेट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं और हर एक स्टेट्स को एक एक वोट देने का मौका मिलता है, ना कि हर एक मेंबर को एक एक वोट देने का अधिकार मिलता है। ओके, इसी तरह जब हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, वोट देने का अधिकार मिलता है, लेकिन वो वोट देने का अधिकार प्रॉपर्टी पे मिलता है कि एक प्रॉपर अमाउंट में जो टैक्स पे कर सकते हैं उन्हीं को वोटिंग राइट मिलता है। इवन आप देख सकते हैं अभी कुछ साल पहले तक, अभी रिसेंटली अरबिक नेशंस में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला है, नहीं तो अरबिक कंट्रीज में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। सो व्हाट वी मीन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो,
सभी लोगों को हो और सभी के वोट का वैल्यू भी क्या हो, सेम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, समथिंग टू चूज, वी मस्ट हैव ऑप्शन टू चूज। सो माय क्वेश्चन इज, व्हेन यू विल गो टू चाइना, व्हेन यू विल गो टू रशिया, व्हाट विल यू चूज? इफ देयर इज ओनली, हैव यू एनी ऑप्शन टू चूज द पॉलिटिकल पार्टीज? Either you are supported with the ideology of the Communist Party or not, you will have to choose the representative from the Communist Party only. Yes. So you have nothing to choose from your own viewpoint. Right. आप अपने viewpoint से नहीं चुन सकते, आपको उनके भले ही व्यक्ति को आप चुन सकते हैं, लेकिन पार्टी के प्रिंसिपल्स को आप नहीं चुन सकते। जी। So something to choose means जब हम वोट देने जाते हैं, हमारे पास different set of principles हों, हम कौन सी एक पार्टी को चुनकर, हम सभी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे और जिस पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्स हमें पसंद होंगे हम उनको चुनेंगे, वोट करेंगे। तो हमारे पास चूज करने के ऑप्शन होने चाहिए। अगर इलेक्शन तभी डेमोक्रेटिक हो सकता है जब हमारे पास चुनने के लिए ऑप्शंस हो, तभी विकल्प होंगे, तभी जो है इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो सकता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, पीरियडिक इलेक्शंस, दैट मींस एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होने चाहिए। हम देख सकते हैं हमारे देश में हर एक 5 साल में इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता ही होता है। अभी शायद आपने न्यूज पढ़ी होगी, कुछ देशों में अभी एक ट्रेंड सी चल निकली है, इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक लीडर अपॉइंट हुए ऑन द टॉप, बट दे हैव डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ लाइफ टाइम प्रेसिडेंट, रूलर ऑफ द। आप रशिया में देखिए अभी व्लादिमीर पुतिन साहब ने अपने आप को एक्चुअली लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है। ये 1970s-80s की बात है, उसमें घाना के जो प्रेसिडेंट थे वो भी बहुत फाइट किया था उन्होंने डेमोक्रेसी को लाने के लिए, और डेमोक्रेसी आई, चुनाव लड़े, जीते, प्रेसिडेंट बने, एंड आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ लाइफ टाइम प्रेसिडेंट। सो अगेन व्हाट वी टॉक अबाउट, यू कैन से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, दैट इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड एट द रेगुलर इंटरवल। राइट, कि इफ A person is not doing well, तो हम उनको एक समय के बाद बदल सकें, वो हमारे लिए काम करें, उन्हें मजबूर होना पड़े हमारे लिए काम करने के लिए। If they are not working in the favor of people, people must change them. So, third point ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत जरूरी है कि इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होते रहने चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड विद फ्री एंड फेयर मैनर। राइट, अब फ्री एंड फेयर मैनर का मतलब क्या लेते हैं? कई सारे चीजें हो सकते हैं, प्रकार से प्रभावित ना किया गया हो। यस, किसी भी तरीके से प्रभावित ना किया गया। और किसी भी तरह से क्या मतलब हो जाता है? अनेक प्रकार हो सकते हैं जी, जैसे जैसे जो तंत्र है, जो शासन है, उसको जो है प्रभावित करना कि जैसे आपके पक्ष में कार्य करे। बिल्कुल, जैसे गवर्नमेंट मैकेनिज्म ना काम करे किसी एक व्यक्ति के पक्ष में। बिल्कुल, मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल ना हो जाए, जो अक्सर आजकल इलेक्शन में होता है। सो फ्री एंड फेयर मोस्टली तभी हो सकता है जब एक कमीशन जो इन सारी चीजों का सुपरविजन कर रही है कि मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल ना हो, गवर्नमेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल ना हो पाए, तभी हम किसी इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह सकते हैं और तभी इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक हो सकती है। बिल्कुल, ओके, आई थिंक वी शुड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस प्लीज, टाइप्स ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन कितने प्रकार का होता है ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक्चुअली जनरली हम सभी जानते हैं इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे होता है, हम 5 साल के बाद जानते हैं भारत में इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन भी जो हम बात करें तो 3 तरह के होते हैं। एक रेगुलर इलेक्शंस होते हैं जो जनरल इलेक्शन के नाम से जाना जाता है, सेकेंड बाई इलेक्शन, एंड थर्ड इज मिड टर्म इलेक्शन। बच्चों को ये बहुत जरूरी है समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल इलेक्शन, what is the meaning of general election, by election and midterm election. Yeah, when we talk about general election, jab koi election har ek 5 saal ke baad apna jab term pura hota hai uske baad election jab karaya jata hai, conduct karaya jata hai, then it is known as general election. Jaise bharat mein 5 years ka term hai, 5 years conduct jaise hua, election commission ne election karaya, that will be known as general election. Okay, second is by election. वट इज बाई इलेक्शन? एक्चुअली बाई इलेक्शन सभी कंस्टिट्यूंसीज के लिए नहीं कराए जाते। जब किसी MP ने या MLA ने, अगर विधानसभा की बात करें तो MLA ने, या लोकसभा की बात करें तो MP ने,
रेजिग्नेशन दे दिया हो या किसी एमपी या एमएलए की डेथ हो गई हो, और इन कंडीशन में कुछ एक कंस्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन कराए जाते हैं, देन दिस इज नोन एज बाय इलेक्शन। ओके, एंड एट लास्ट इट इज द मिड टर्म इलेक्शन। सो मिड टर्म इलेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कम इंस्टांसेस होते हैं मिड टर्म इलेक्शन के लिए। जब सरकार अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में, विश्वास मत खो देती है, तो क्या होता है, सारे के सारे जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे दोबारा चुनाव कराना पड़ता है, यानी वो अपने 5 ईयर्स का टर्म पूरा नहीं कर पाते। कई बार तो 15-15 दिन में भी हमने हाउसेस गिरते देखे हैं, कई बार 2 साल में भी होता है, कई बार 4 साल में भी कॉन्फिडेंस जो है वोट लूज हो जाती है। और इस तरीके में जब दोबारा सारे सीटों पर इलेक्शन कराना पड़ता है, अपना टर्म्स गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती, तो ऐसे इलेक्शन को हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने ये देख लिया कि एक लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होने चाहिए, अब उन्हीं पैरामीटर्स पे हम एक्चुअली इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि जो भारत में चुनाव हो रहा है, क्या हम उसको डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। हाउ कैन वी से इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। यस, हमारे देश में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से एक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हम इसके बारे में और डिटेल से आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, सो आई थिंक यहां पे हम इसके बारे में अभी नहीं बता रहे, आगे के स्लाइड में हम इस पे डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है। सेकंड, मास लेवल पॉपुलर पार्टिसिपेशन। आई थिंक बच्चे अगर इंटरेस्टेड होते होंगे न्यूज चैनल में, अगर न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, तो देखते होंगे आए दिन इन ईच एंड एवरी इलेक्शन द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोटिंग इज इंक्रीजिंग। जी, अभी आपने यूपी का भी चुनाव अभी जो चल रहा है, डिफरेंट स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं, देखा होगा आपने, बार बार न्यूज में आता है रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, लगातार वोट परसेंटेज हर एक चुनाव में बढ़ता जा रहा है। जी, व्हाट इट शोज एक्चुअली राहुल जी, ये समझने की आवश्यकता है, ये दर्शा रहा है कि हमारा चुनाव कितना लोकतांत्रिक है, कि लोगों का हमारे चुनाव की प्रक्रिया पे, हमारे सरकार गठन की प्रक्रिया पे लोगों का कितना भरोसा है, कि लगातार लोगों का पार्टिसिपेशन चुनाव में बढ़ता जा रहा है। वो दर्शाता है जब लोगों का पार्टिसिपेशन वोटिंग में बढ़ता है, तो दर्शाता है कि सरकार के प्रति, लोकतंत्र के प्रति हमारी जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। So this is one of the very most an important point regarding the free and fair elections of India. And third, acceptance of election result. I think again it is a very interesting topic. जी, आप देखेंगे पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है या दूसरे, इवन आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की आज बात करें, अमेरिका की, बिल्कुल चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में हारे, बट ही डिडंट एक्सेप्टेड द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, कहा नहीं भैया मेरे को तो हराया गलत तरीके से करके। उन्होंने शायद कानूनी इसका सहारा भी लिया था, कानून उन्होंने सहारा भी लिया, कानून का भी मुकदमा भी किया कि वो सही नहीं, चुनाव का रिजल्ट जो है चेंज किया जाए या फिर से कुछ कराया जाए। लेकिन भारत में आपको शायद ही कभी ये सुनने का मौका मिलता होगा कि चुनाव में भी, कह सकते हैं कभी कभार अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि उन्होंने मेल प्रैक्टिसेस किए हैं, गलत तरीके का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर वो स्वीकार कर लेते हैं चुनाव। आप किसी भी चुनाव की बात करें, शिकायतें लगती हैं, कई बार क्लेम्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी बड़े लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता कि चुनाव के रिजल्ट को स्वीकार नहीं किया। यहाँ बहुत ही जेंटली, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी है, आफ्टर द इलेक्शंस वो एक्सेप्ट करती हैं, कहती हैं निश्चित रूप से जनता ने हमें नहीं स्वीकार किया, मे भी हमारे में कुछ कमियां रह गई होंगी और हम निश्चित रूप से उन कमियों को फिर से दूर करेंगे और फिर से जनता की निगाहों में आने की कोशिश। फ्री एंड फेयर पॉलिटिक्स के लिए हार स्वीकार होना भी चाहिए निश्चित रूप से, तभी हम रूप से यदि आप जीतना चाहते हैं तो हार भी स्वीकार करनी ही होगी। और बिल्कुल, जीत और हार दोनों सिक्के हैं, आप इनको नहीं जो है एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर का जो आपकी स्लाइड बता रही है, इसमें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, जी जी, आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। लास्ट है वही फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप देखिए चुनाव में गड़बड़ियां होती भी हैं, ऐसा नहीं है, मनी एंड मसल पावर्स का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन
इसके बावजूद हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनका रोल यहाँ बहुत ही अहम होता है। आप अक्सर दिन आए दिन सुनते होंगे इलेक्शन कमीशन ने किसी एक कैंडिडेट के खिलाफ एक्शंस लिया है या किसी अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कुछ अरेस्ट करने की खबर मिलता है। कई तरह के एक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए जाते हैं ताकि किसी तरह की माल प्रैक्टिसेस ना हो। एक कुछ वर्षों पहले एक समय ऐसा भी था कि जब चुनाव बहुत ही डरावने होते थे, लोगों को बूथ में जाने तक डर लगता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार इलेक्शन प्रोसेस में सुधार हो रहा है, लोग बहुत शांतिप्रिय इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इट इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर यू कैन से। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हम अगले स्लाइड की ओर जाते हैं। अभी हमने बात करी मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हम उसे क्या समझते हैं, क्या है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है एक थ्री बॉडी कमीशन है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उसके अलावा दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जी। अब इंडिपेंडेंट क्यों है ये? इंडिपेंडेंट इसलिए है ये कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं हमारे देश के, वो इनको इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तीनों मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 6 ईयर्स के लिए हो सकता है या 65 ईयर्स, जो पहले हो जाए उनके लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन एक बार इनका अपॉइंटमेंट होने के बाद वो किसी के लिए भी आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। चुनाव के डेट की घोषणा से लेके चुनाव के रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक जितने भी कदम उठाए जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो अपने विवेक से उसका फैसला लेती है, किसी भी पार्टी के प्रभाव में नहीं आती, किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में वो नहीं आती, और इसीलिए इसको जो है हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। और किसी भी देश के चुनाव को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन का फ्री एंड फेयर होना बहुत ही जरूरी है। नाउ फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। अब हम जब बात करें कि भारत में चुनाव आयोग के क्या दायित्व हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन से कदम उठाती हैं, वी कैन से टू कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन। व्हाट इट मींस, चुनाव के डेट की घोषणा से लेके डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉमिनेशन से लेके चुनाव कराना और उसके बाद चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करना, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द इलेक्शन इज एंटायरली डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द इलेक्शन कमीशन। वो किसी के प्रभाव में नहीं आते, किसी की बात भी नहीं सुनते, अपने विवेक से इस मामले में वो फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यही जो होता है ट्रांसपेरेंट वे भी होता है। तो चुनाव के सारे स्टेप्स का निर्धारण करना जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। सेकंड, यू कैन सी इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। राहुल जी, आप एक न्यूज अक्सर सुनते होंगे, कहीं भी चुनाव होता है, जैसे यूपी का ही चुनाव हो रहा है किसी स्टेज का, तो 24 आवर्स पहले चुनाव का एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया जाता है कि इलेक्टोरल जो कैंपेनिंग होती है वो बंद कर दी जाती है, पहले बंद हो जाती है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। एक्चुअली चुनाव के दरमियान कुछ ऐसे मोरल वैल्यूज होते हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिक्लेयर्ड होते हैं कि यू कैन से एक डू एंड डोंट डू की लिस्ट बनाते हैं कि क्या करना होता है, वही कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जाना जाता है। और इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ही सख्ती से इसको इंप्लीमेंट करती है, एंड वन हु इज गोइंग टू वायलेट द कोड ऑफ कंडक्ट विल बी पनिश, समटाइम्स हिज कैंडिडेचर में आल्सो बी रिजेक्टेड, उनके कैंडिडेचर भी जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग द इलेक्शन जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं स्टेट के, उनकी ट्रांसफर, उनकी जो पोस्टिंग, सब कुछ जो है किस पे डिपेंड करता है, दिस इंटायरली डिपेंड अपॉन द इलेक्शन कमीशन। सरकार की भूमिका उस समय बिल्कुल गौण हो जाती है, कोई भी जो ऑफिसर होता है वो केवल और केवल जो है आंसरेबल किसके लिए होता है, इलेक्शन कमीशन के लिए होता है। और यही चीज जो है भारतीय चुनाव को लोकतांत्रिक और ट्रांसपेरेंट बनाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन स्पेशल कंडीशन, इसके स्पेशल सरकमफेरेंसेस जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइसेस भी देती है, अगर कुछ
कुछ चेंजेस लाने हो, कुछ मॉडिफिकेशन लाने हो, कुछ आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो उनमें चेंजेस मॉडिफिकेशन करने के लिए भी वो एडवाइसेस दे सकती हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द मेजर पॉइंट्स इन दिस चैप्टर। हालांकि बहुत कुछ इस चैप्टर में और भी बचा होता है, इलेक्शन का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, गहन है कि इसको एक स्लाइड में या एक सेशन में कराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेजर पॉइंट जो बच्चों को समझना चाहिए, आई थिंक वो इस सेशन में क्लियर हो चुका है और मुझे लगता है बच्चों को आसानी से समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल, ये जो आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है सुशील जी ने, ये आपको मदद करेगा जब आप तफसील से गहराई में इस पाठ की जो है न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि पढ़ेंगे, और ग्रुप डिस्कशन भी यदि आप करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा और आप इस पूरे इलेक्ट्रल प्रोसेस को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आप आगे चलकर एक जो है जिम्मेदार नागरिक बनने की जो आपकी भूमिका है उसका भी निर्वहन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सुशील जी, आप यहाँ तक आए, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ाया, मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भी पढ़ाया, क्रिस्प तरीके से पढ़ाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार जी। धन्यवाद, और एनसीईआरटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, दोबारा मुझे स्टूडियो में आने का मौका मिला और बिल्कुल आभारी रहेंगे आपके। हमारा ये जो सोशल साइंस का जो ये सेशन है ये यहीं समाप्त होता है, आप कहीं मत जाइएगा, अभी थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं पीएमई विद्या चैनल्स पर अगला सेशन लेकर। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा ये चैनल, हम अभी हाजिर होते हैं। नमस्कार।